2020 हम गेमर्स के लिए बहुत ही कॉम्पिटेटिव ईयर होने वाला है, क्योंकि सोनी का प्लेस्टेशन 5 और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स 2 दोनों ही 2020 के हॉलीडेज में रिलीज होने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सा लेना है, ये डिसाइड करने से पहले आइए जानते हैं इन दोनों कंसोल्स के बारे में डिटेल्स में। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergrasp.com। और शुरुआत करते हैं रिलीज डेट से। माइक्रोसॉफ्ट और सोनी ने अनाउंस कर दिया है कि 2020 के हॉलीडेज में रिलीज होंगे ये दोनों कंसोल्स। एग्जैक्ट डेट तो अब तक किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये दोनों कंसोल्स अक्टूबर से नवंबर के बीच में रिलीज होंगे, ताकि क्रिसमस तक इनकी अच्छी खासी सेल्स हो जाए। हॉलीडे सीजन हमेशा से ट्रेडिशनल टाइम रहा है कंसोल के रिलीज होने का, और इस बार तो हमें मिलेंगे दो दो कंसोल्स। सो पैसों की पूरी तैयारी रखें, नहीं तो ये भी ऑप्शन है। साला किडनी निकाल लिया है बे। नेम, सोनी हमेशा से ही अपने कंसोल्स के नाम सिंपल रखता है और टाइमलाइन के हिसाब से रखता है, और आने वाले कंसोल का नाम भी सिंपल प्लेस्टेशन 5 होगा या फिर PS5। लेकिन एक्सबॉक्स की कहानी थोड़ी अलग रहती है। माइक्रोसॉफ्ट के पहले कंसोल का नाम एक्सबॉक्स था, फिर आया एक्सबॉक्स 360, उसके बाद एक्सबॉक्स 1, और अब आने वाले कंसोल का नाम कंपनी ने प्रोजेक्ट स्कारलेट बताया है। लेकिन रूमर्स तो ये भी है कि उसका नाम एक्सबॉक्स 2 भी हो सकता है। SSD एंड क्लाउड गेमिंग। आने वाले कंसोल्स PS5 और एक्सबॉक्स स्कारलेट का वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन है सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर SSD, मतलब अब हमें स्पिनिंग हार्ड ड्राइव से छुटकारा मिलेगा, जिससे कंसोल का काफी साउंड मिनिमाइज हो जाएगा, और SSD से गेम का बूट होना या फिर लोड होना काफी स्पीड अप हो जाएगा, और गेम में जो लोकेशंस चेंज होती हैं उसमें भी काफी ड्रामेटिकली स्पीड बूस्ट देखने को मिलेगा। और कंसोल में हार्ड ड्राइव स्पेस भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द था, लेकिन अब SSD के मदद से हम गेम का सिर्फ वो स्पेसिफिक पार्ट इंस्टॉल करेंगे जिसकी हमें जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कॉल ऑफ ड्यूटी गेम हो तो उसमें अगर हम चाहें तो खाली सिंगल प्लेयर मोड इंस्टॉल करेंगे या फिर खाली मल्टीप्लेयर मोड, ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। इसके मदद से हमारा काफी डेटा बचेगा। और SSD के साथ ही साथ इन कंसोल्स में आने वाले हैं क्लाउड गेमिंग फीचर, रिमोट प्ले और गेम स्ट्रीम। डिजाइंस, इन दोनों कंसोल्स की अगर डिजाइंस की बात करें तो हमें एक्सबॉक्स स्कारलेट की कोई भी ऑफिशियल या फिर र्यूमर डिजाइन नहीं दिखी है, लेकिन अगर PS5 की बात करें तो उसकी एक लीक डिजाइन सामने आई है जो रेंडर होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। अब इस डिजाइन को रियल क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे का रीजन यह है कि एक बार PS5 के डेवलपर ने ट्विटर पे कंफर्म कर दिया था कि यही ओरिजिनल डिजाइन है, और उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हो गया और वो ID भी डिलीट हो गई। और अब हम अगर इस डिजाइन को गौर से देखें तो इसके मिडिल पोर्शन में हमें रोमन में 5 नजर आ रहा है, जो PS5 को सिंबलाइज कर रहा है। अब ये डिजाइन कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताएं। ग्राफिक्स, जब भी कोई नया कंसोल रिलीज होता है तो उसके साथ रिलीज हुए गेम्स के ग्राफिक्स हमेशा नेक्स्ट लेवल रहते हैं, और ऐसा ही होने वाला है PS5 और एक्सबॉक्स स्कारलेट के साथ, क्योंकि सारे गेम शुरुआत से ही 4K में चलेंगे, मतलब हमें 4K में चलाने के लिए PS5 प्रो या फिर एक्सबॉक्स सुपर स्कारलेट का इंतजार हमें नहीं करना है। और 4K के साथ सोनी का ये भी प्लान है कि फ्यूचर में हमें 8K रिजोल्यूशन तक मिल सकता है, और ग्राफिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें मिलेगी एक और नई टेक्नोलॉजी जिससे गेम प्ले एकदम चमक जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग एक ऐसी रेंडरिंग टेक्निक है जिसके मदद से हम बहुत ही रियलिस्टिक लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइटनिंग से यहाँ मतलब है रिफ्लेक्शंस, और ये रिफ्लेक्शंस इतने रियल रहते हैं कि आप फर्क बता ही नहीं पाएंगे, और इसके मदद से गेम्स में रिफ्लेक्शंस हर ऐसे सरफेसेस पे देखने को मिलेगा जो पॉलिश्ड हो, चाहे वो ग्लास हो, वाटर हो या शेडो ही क्यों ना हो, इन सब में रिफ्लेक्शंस हमें बहुत रियल दिखने वाले हैं। ये हमारा नया मोनोग्राम है, और आपको अगर ये मोनोग्राम पसंद आ रहा है और आप भी अगर कुछ ऐसा ही बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे इस मोनोग्राम के डिजाइनर को। उनके इंस्टाग्राम के ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो जाके उनको फॉलो करें। और आपको भी अगर मोनोग्राम या फिर लोगो बनवाना है तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले कंसोल्स चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन हमारा प्यार हमारे पुराने कंसोल्स और उनके गेम्स के लिए कभी भी कम नहीं होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं पुराने कंसोल्स को बेच के नए कंसोल्स को खरीदने के बारे में, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप गेम्स को भी बेचना चाहते हैं ये सोच के कि अब ये किसी काम के नहीं, तो एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि इन दोनों कंसोल्स में होने वाले हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। एक्सबॉक्स में तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हमेशा से ही थी, लेकिन प्लेस्टेशन 4 में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सोनी के प्लेस्टेशन 5 में होने वाली है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जिसके मदद से हम सारे प्लेस्टेशन के तो नहीं लेकिन PS4 के सारे गेम PS5 में खेल सकते हैं। लेकिन अगर एक्सबॉक्स की बात करें तो हमेशा से ही एक्सबॉक्स में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हर एक्सबॉक्स के लिए होती है, और ऐसा ही होगा एक्सबॉक्स स्कारलेट के साथ, यानी कि एक्सबॉक्स स्कारलेट में हम एक्सबॉक्स 1 के, एक्सबॉक्स 360 के और फर्स्ट एक्सबॉक्स के सारे गेम्स खेल सकते हैं। सो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी PS5 और एक्सबॉक्स स्कारलेट की। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने गेमिंग बड़ी के साथ, और सपोर्ट करें फीवर ग्रास्ट को सब्सक्राइब करके।